ये देखिए दोस्तों, आलू भुना मसाला बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, और आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बन के रेडी हुई है। ग्रेवी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल लिपटी लिपटी यहाँ पे ग्रेवी। और ये देखिए आलू बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे गला हुआ है प्रॉपर तरीके से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एलिसमान किचन में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिंपल आलू की सब्जी खा खा के बोर हो चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बेसिकली आज हम लेके आए आपके लिए आलू भुना मसाला की रेसिपी, तो जिसको मतलब ढाबे वगैरह पे इसको मोस्टली बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो देखिए कंसेप्ट वही दम आलू वाला ही है। दम आलू के मतलब सब्जी जैसे बनती है वैसे ही इसको बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ग्रेवी को थोड़ा सा हमने थिक रखा जाता है, थोड़ी सी लिपटी लिपटी सी ग्रेवी इसके अंदर होती है, और आलू को मतलब मसाले को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे भुना जाता है। तो इसलिए इसको आलू भुना मसाला हम कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो आलू भुना मसाला बनाने के लिए देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 500 केजी यहाँ पे आलू का यूज किया है। पीसेज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे 5 पीसेज मैंने आलू के लिए हैं बिल्कुल मीडियम साइज के, और इनको इस तरीके से क्यूब शेप में यहाँ पे काट लेना है बिल्कुल बढ़िया से। तो देखिए इस शेप में आपने काट लेना है, बहुत ज़्यादा छोटे यहाँ पे पीसेज नहीं रखने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कट कर लिया है। अभी आपने एक काम और करना है, आलू को जो है ना पानी के अंदर सोख करके रखना है आपने थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए हम मसाले वगैरह कर रेडी करेंगे। क्या होता है कि आलू पे बहुत ज़्यादा स्टार्च आ जाता है, तो इसलिए इनके ऊपर मतलब आलू काला ना पड़े इस वजह से इनको थोड़ी देर के लिए पानी में यहाँ पे हम सोख करके इनको रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आलू हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको एक तरफ रख देना है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 मीडियम साइज के प्याज का यूज किया है, 1 छोटा टमाटर, और यहाँ पे 6 से 7 छोटी कलियाँ यहाँ पे लहसुन की हमने यूज किया है। तो इन सबको क्या करना है कि दोस्तों, अभी बारीक यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से इनको चॉप करना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बारीक चॉप करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक चॉपर का। आप हाथ से भी कर सकते हो, मिक्सी में भी कर सकते हो। मिक्सी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक यहाँ पे मिक्सी में आपको नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, इनको बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया से बारीक चॉप यहाँ पे कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल बारीक, जितना बारीक हो चुके उतना बारीक आपने यहाँ पे करना है। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे ये बारीक हो चुके हैं। तो अभी लहसुन को भी हमने बिल्कुल बारीक यहाँ पे चॉप करना है, तो लहसुन को भी बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट वगैरह का यूज मत करिएगा, बिल्कुल खड़ा लहसुन ही आप यूज करिएगा। तो ये देखिए टमाटर और लहसुन भी यहाँ पे हो चुके हैं, तो अभी बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बनाने के लिए हमने यूज किया है देखिए दोस्तों, सरसों के तेल का। आप कोई भी ऑयल खाते हो उसमें भी बना सकते हो, लेकिन सरसों के तेल में ये काफ़ी बढ़िया बनता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो भी आप मतलब यूज करना चाहते हो। तो मसालों को यहाँ पे थोड़ा सा इनको थोड़ा सा भुनना है तेल के अंदर, और थोड़ा सा यहाँ पे भुनना है जब तक ये थोड़े से गर्म ना हो जाए। तो देखिए मसाले हमारे थोड़े से गर्म हो चुके हैं, तो इस टाइम पर इनमें ऐड करना है थोड़ा सा जीरा, और जीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे प्याज जो हमने ऐड कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, प्याज को ऐड कर देने, और यहाँ पे प्याज को हमने ना बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे भून लेना है दोस्तों। प्याज बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना ग्रेवी में टेक्सचर बढ़िया नहीं आएगा। तो ये देखिए प्याज को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से लगभग 3 से 4 मिनट हम यहाँ पे प्याज को भूनेंगे। तो इतना ही टाइम लगता है प्रॉपर तरीके से प्याज यहाँ पे भून जाते हैं। तो लगातार इनको चलाते हुए यहाँ पे भून लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 5 मिनट यहाँ पे मैंने प्याज को भुना है, तो बहुत ही बढ़िया से प्याज हैं जो भून चुके हैं, बढ़िया से ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी इसके अंदर लहसुन भी यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। तो देखिए दोस्तों, लहसुन भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, तो लहसुन को भी यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें टमाटर है जो ऐड करेंगे। अभी लहसुन को थोड़ा सा भूनना है दोस्तों। तो लहसुन को भूनने से क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया इसके अंदर टेक्सचर आता है। वैसे तो ढाबे वाले क्या करते हैं कि लहसुन को तेल में पहले डाल देते हैं, लेकिन क्या होता है कि लहसुन को ज़्यादा भूनने से लहसुन जल भी जाता है, जिससे टेक्सचर बढ़िया नहीं आता है। तो प्याज के बाद ही लहसुन डालिएगा। तो देखिए जैसे ही लहसुन भून जाता है इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, और टमाटर के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। तो नमक से क्या होता है कि टमाटर है जो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे गल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नमक भी डाल दिया। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है मसाले को,
और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, इसको ढक्कन लगा के ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ देना है दोस्तों। ढक्कन लगा के लगभग 3 से 4 मिनट भूना है ढक्कन लगाने के बाद। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे गल चुके हैं दोस्तों। तो ये देखिए, तो प्रॉपर तरीके से बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं टमाटर प्याज और लहसुन अच्छे से। तो अभी इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले की बात करें तो मसाले में हमने 1/4 टीस्पून यहाँ पे लिया है देगी मिर्च, और थोड़ी सी यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी। और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और उसी के साथ धनिया पाउडर 2 टीस्पून यहाँ पे हमने डाला है धनिया पाउडर। और ये सब हमारे मसाले हो चुके हैं। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। तो मसालों के बाद साथ यहाँ पे थोड़ा सा पानी जरूर डालिएगा। पानी डालने से क्या होता है कि मसाले जलते नहीं है और प्रॉपर तरीके से मसाले हैं जो भुन जाते हैं। तो देखिए अभी लगातार इनको चलाना है थोड़ा सा, और चलाने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए मतलब बढ़िया से भुनना है। मसालों को भी दोस्तों यहाँ पे भुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भुना मसाला बना रहे हैं हम, तो भुना मसाला के अंदर मसाले का भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग 3 से 4 मिनट हम इनको इसी तरीके से भुनेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जो मसाले हैं जो भुन जाएँ। तो ये देखिए दोस्तों, लगातार इनको भुनते रहना है इस तरीके से, और यहाँ पे बीच बीच में स्टर जरूर करते रहिएगा ताकि नीचे लगे ना। तो जैसे ही मसाले हमारे भुन जाते हैं तो इसमें हमने ऐड करना है 2 टीस्पून, दो बड़े चम्मच यहाँ पे यूज किया हमने दही का। तो देखिए दोस्तों, दही का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब फीकी भी नहीं होनी चाहिए। खट्टी दही का यूज करोगे तो ग्रेवी क्या है कि बहुत ही मतलब खट्टी खट्टी सी बनेगी। और दही डालने के बाद गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है, और स्लो गैस पर इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि दही अच्छे से मिक्स ना हो जाए और दही का जो दाना है वो ग्रेवी में दिखना बंद ना हो जाए। तो तब तक यहाँ पर इसको लगातार चलाते रहना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो दही का दाना है वो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो आप बढ़िया से दिखना मतलब बंद हो चुका है। ये देखिए दही बहुत ही बढ़िया से इसमें मिक्स हो चुका है। तो अभी क्या करना है कि इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि जो स्टीम बनेगी उससे बहुत ही बढ़िया से मसाले हैं जो पक जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देना है दोस्तों, 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया और बढ़िया से मसाले यहाँ पे तेल छोड़ना शुरू हो गए। तो मतलब मसाले बहुत ही बढ़िया से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो गर्म पानी देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डाला है, तो पानी ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठंडे से क्या होगा कि जो मसालों की जो कुकिंग है वो रुक जाएगी। हमें कुकिंग रोकनी बिल्कुल भी नहीं है, लगातार कुकिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे गर्म पानी डाला है। तो जैसे पानी में बॉयल आता है तो इसके अंदर हम जो आलू है वो ऐड कर देंगे। तो आलू का जो पानी मैंने था वो पहले भिगो के रखे था, वो पानी निकाल देना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे हमने नहीं डाला है, क्योंकि भुना मसाला हम बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो वो दम आलू बन जाएगा। तो देखिए अभी इसको ढक देना है। आलू को लगभग 10 मिनट तक आपको भूल जाना है, आलू को बिल्कुल 10 मिनट तक यहाँ पे बढ़िया से पकाना है। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 10 मिनट तक आलू को पकाने के बाद ये आलू की ग्रेवी देखिए दोस्तों बहुत ही थिक हो चुकी है। यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, और आलू भी अभी हम चेक करते हैं कि आलू हमारे पके हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, लगभग 10 मिनट तक पका है, तो आलू को अभी चेक करते हैं। तो ये देखिए आलू काफ़ी हद तक गल चुके हैं, अभी पूरे नहीं पके हैं, अभी इनको हम और पकाएंगे, लेकिन आलू काफ़ी हद तक यहाँ पर पक चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा इनको मिक्स करना है अच्छे से, और यहाँ पे एंड की कुछ चीज़ें, अगर आप गरम मसाला वगैरह इसमें यूज करना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो मैंने 1/2 टीस्पून थोड़ा सा ही डाला है, लगभग 1/2 टीस्पून यहाँ पे डाला है गरम मसाला। और उसके अलावा एक और चीज़ हम डालेंगे, अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर अगर पसंद है, आप खाते हो कसूरी मेथी, तो वो भी डाल सकते हो। हरा धनिया भी इस टाइम पर आप डाल सकते हो। तो देखिए इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बिल्कुल बढ़िया से ये देखिए दोस्तों ग्रेवी चेक करिए आप, बिल्कुल लिपटी लिपटी सी ग्रेवी अभी बन चुकी है। तो ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बिल्कुल बढ़िया से ग्रेवी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी थोड़ी देर के लिए इनको इसी तरीके से ढक के यहाँ पे छोड़ देना है दोस्तों। तो अभी गैस को मैंने बंद कर दिया है, और इसको ढक के थोड़ी देर के ठंडा करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी सब्जी हमारी बिल्कुल बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। तो ग्रेवी देख सकते हो आप कितनी बढ़िया यहाँ पे बनी है, बिल्कुल ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ग्रेवी बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे पकी हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल मतलब ग्रेवी है जो आलू को बढ़िया से लिपट चुकी है बहुत ही बढ़िया से। तो ये देखिए दोस्तों, तो मैं अभी प्लेट में आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया यहाँ पे लाजवाब लग रही है ना दिखने में। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों, और आलू हमारा जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गला हुआ है, आलू कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, इसको बना के ज़रूर देखिएगा। तो कैसी लगी दोस्तों रेसिपी, उम्मीद करता हूँ आपको
पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, तो इसको घर पे बना के जरूर देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए बाय, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।